हेलो स्टूडेंट, जो मेरी वीडियो थी पहले वो बीच में कट हो गई थी। मेरा एक टॉपिक रह गया था, तो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट टॉपिक। द लास्ट टॉपिक इज हाउ कैन यू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन द नंबर्स, विच नंबर्स रैशनल नंबर्स। वी हैव अ थ्री मेथड्स टू फाइंड दिस रैशनल नंबर्स। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल वन बाय वन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज find a rational number between 1 by 4 and 1 by 3. Means we have to find only one rational number between 1 by 4 and 1 by 3. If you have to find only one rational number, then you will use the very simple process, that is you have to add both the number and divide by 2. Simple. आपको इन दो numbers को add करना है और उसे 2 से divide करना है, तो आपको rational number आ जाएगा। मैंने ऐड करके उसे 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने उसे ऐड किया, दिस इज़ ये जो मेरा है रैशनल नंबर की फॉर्म में और एडिशन की फॉर्म में है, तो मुझे उसका एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। मैंने एलसीएम ले लिया, द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज़ 12। सॉल्व इट, 3 प्लस 4 विल कम 7 अपॉन में 12 डिवाइड बाय 2। मैंने अभी आपको डिवीजन का क्वेश्चन सॉल्व करना बताया था। जब हम इसको डिवाइड करते हैं, मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर है ऐसे रहता है, डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई एंड सेकेंड डिजिट विल बी रेसिप्रोकल। ओके, अब आप चेक करो कि ऊपर नीचे कट हो रहा है। अगर कट नहीं हो रहा, मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 1 by 1, 7 1 7, 12 2 24। दिस इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 by 4 एंड 1 by 13। इट्स अ वेरी सिंपल मैथड टू फाइंड अ सिंगल रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर्स। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। Find three rational numbers between 4 and 5. How many rational numbers you have to find between 4 and 5? 3. These types of question you will solve by using this method. See, firstly, how many rational numbers you have to find between 4 and 5? 3. Then we will add 1 in 3. 3 plus 1 is equal to 4. Now we will make the denominator of this number 4. मैं numbers के denominator को 4 बनाऊंगी। And how can I make it? By multiplying 4 same by multiplying 4। मैंने यहाँ पे 4 को numerator से भी multiply किया, denominator से भी multiply किया है। सेम यहाँ भी मैंने 4 को न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया है। ओके, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4। नाउ यू हैव टू राइट थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस नंबर। देन आफ्टर 16 विल कम 17 बाय 4, 18 बाय 4, 19 बाय 4। ये है हमारे वो थ्री रैशनल नंबर्स, तो मुझे इनके बीच में लिखने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप ये प्रोसेस यूज़ करोगे, और अगर आपको सिंगल रैशनल नंबर फाइंड करना है तो आप ये प्रोसेस यूज़ करोगे। ओके, नाउ लास्ट मेथड इज इफ़ यू हैव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3 बाय 4 एंड 5 बाय 6। आपको इन रैशनल नंबर्स के बीच के, बिटवीन मतलब होता है बीच के, 10 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बेटा, योर डिनोमीटर्स आर डिफरेंट, तो हम इसको ऐसे मैथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, फर्स्ट टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 6, आई हैव ऑलरेडी टेकन, विल कम 12। नाउ मेक द डिनोमिनेटर्स 12 -3 बाय 4। बेटा मैं इसको, मुझे इसका डिनोमिनेटर को 12 बनाना है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूँगी, बाय 3। 3 मल्टीप्लाई एंड 3 मल्टीप्लाई दिस, 3 3 जा 9 -4 3 जा 12 सेम, 5 बाय 6 +2 +2 5 2 जा 10 6 2 जा 12। मैंने इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्या बना दिया, 12। अब इनके बीच के आपको 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, -9 अपॉन में 12 -10 अपॉन में 12। इनके बीच में आपके पास बेटा बहुत सारे नंबर्स हैं, आप कोई भी 10 रैशनल नंबर्स को पिक कर सकते हो। मैंने पिक किया है, -9 के बाद क्या आता है, -8 अपॉन 12 -7 अपॉन में 12 -6 अपॉन 12 -5 अपॉन में 12
dash 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 till 9 upon me 12. Clear? Yes? You have three methods to find the rational numbers between the rational numbers. Now your chapter 1 is completed now. Thank you so much. You have to solve this exercise on the basis of this concept. I will send the photos of your exercises. Have a nice day.